कि हमारी जो मांग है सबसे बेसिक मांग है, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है सेम वर्क सेम पे, समान कर समान वेतन। एक छोटा सा एग्जांपल, यदि किसी भी विभाग में अगर कोई भी कर्मचारी काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि कम से कम न्यूनतम जो पे होगी उसकी, जो उसकी न्यूनतम पे थी उस कर्मचारी के बराबर होगी जो कि रेगुलर या किसी दूसरे विभाग के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। तो हमारी भी डिमांड वही है कि जितने भी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो भी कर्मचारी आते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, NMs हो, LT हो, LA हो, CDOs हो, DPM हो, DAM हो, अकाउंटेंट हो, जो भी जिस पोस्ट पर आपने रखा है, उन सभी को एक एक कर्मचारी को सेम वर्क सेम पे ही मिलना चाहिए। ये हमारी मांग। डॉक्टर सरोज जी, क्या कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और सुप्रीम कोर्ट के गजट के अनुसार ये आदेश जारी किया गया, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इसको क्यों नहीं मान रही है? अब ये तो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, अगर मेरा बोलना इसमें ज़्यादा उचित भी नहीं होगा, लेकिन हम इतना जानते हैं हम दिल्ली सरकार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार संविधान के तहत चल रही है और सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के तहत चल रहा है, तो इन आदेशों को लागू करने में क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये है कि इनके पास बजट भी है, फंड भी है, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इनकी बातें दिल्ली सरकार की नहीं मान रहे हैं। हमारी SPO हैं, हमारे अगेंस्ट में हैं, हमारे MD हैं अगेंस्ट में हैं। तो दिल्ली सरकार ने बड़े साफ शब्दों में लिख के बोला है कि इनको दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे अंदर कुछ अंदरूनी बात होगी जो हम नहीं बता सकते। विभागीय जो अंदरून क्या गवर्नमेंट ने किस प्रकार की नोटिंग दी है, देयर इज़ अ एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल मैटर, तो हम इसमें कुछ विशेष नहीं टिप्पणी कर सकते और करना भी उचित भी नहीं होगा मेरे को। बस हमारी सिंपल सी मांग है, हम दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, हमारी जवाबदेही दिल्ली सरकार के अंदर आती है। केंद्र सरकार ने हमें नहीं रखा, केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट जरूर है नेशनल हेल्थ मिशन, लेकिन हमारी रिक्रूटमेंट, हमारी अपॉइंटमेंट दिल्ली सरकार ने वैकेंसी निकाली अखबार में, बजाबते इंटरव्यू लिया, स्किल मेरिट टेस्ट के आधार पर ही हमें नियुक्त किया। उन्होंने हमें टर्म कंडीशन भी दिया, उस टर्म कंडीशन के तहत हम सारे वो काम करते हैं जो दिल्ली सरकार के रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के स्टाफ काम करते हैं। हम दिल्ली सरकार को से साफ साफ ये गुजारिश और निवेदन भी कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है जायज़ है, और हम यही कहना चाहते हैं ऐसा कोई कारण नहीं है जो दिल्ली के NRHM कर्मचारी वो काम नहीं करते हैं जो वो लोग करते हैं। हम वो सारे काम करते हैं, यहाँ तक कि हमारी ड्यूटी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में भी जो नया नया खुला हुआ है उनमें भी लगाई जाती है, आम आदमी पॉली क्लिनिक में भी लगाई जाती है, कांवड़ ड्यूटी में भी लगाई जाती है, मेरी लग चुकी है, कई लोगों की लग चुकी है, कांवड़ में ड्यूटी लग जाती है, नाइट में शिफ्ट होती है, हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज़ होती है। तो ऐसे कोई काम हमें दिल्ली सरकार या हमारे ब्यूरोक्रेट्स बता दें, या सेंट्रल के ही कोई स्टाफ हैं तो कर्मचारी हैं मनोज जलानी जी हमें बता दें, जिस प्रकार से अपने लेटर में साफ साफ कहते हैं कि इनका समान का समान वेतन नहीं हो सकता क्योंकि इनके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। तो इतने अगर आपको पता कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है तो पिछले 10 साल से आप हमें क्या कर रहे थे? आप यानी हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, ह्यूमिलिएशन कर रहे थे, आप हमसे वो काम नहीं कराते? क्या पिछले 10 साल के हमें एरियर दोगे आप? क्या पिछले 10 साल से जो हम तनख्वाह काम कर रहे हैं कम पैसों में एक तिहाई में, क्या आज के मुझे दे सकते हो एरियर के रूप में? हम बोलो कल कॉल ऑफ स्ट्राइक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप काम लेने वक्त कहते हो आप दिल्ली सरकार के अंडर में आते हो, और जब पैसे देने की बारी आती है तो साफ साफ कह जाते हो कि नहीं, आप तो हमारे दिल्ली सरकार के कर्मचारी ही नहीं हो, आप तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हो, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वाई सो मच डिस्क्रिमिनेशन एट दिस लेवल? वाई वी आर नॉट ए ह्यूमन बींग? क्या हम इंसान नहीं है? हमारे सपने नहीं कि हमारे बाल बच्चे बड़े स्कूल में जाएँ, पढ़े लिखे अच्छी जगह जाएँ? अब दिवाली आ रही है, दिवाली हम किस प्रकार से मनाएं? कोई हमें बता दे क्या इन्हीं के बच्चे होते हैं, इन्हीं के परिवार होते हैं जो सुख भोग सकते हैं? हमारा CDO है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसको जब फ़ोन किया जाता है तब आ जाता है, कहीं भी एक दिन में होता है उसको, 6 दिन में उसको 2 दिन किसी और डिस्पेंसरी में, 2 दिन किसी और डिस्पेंसरी में, 2 दिन किसी और डिस्पेंसरी में। उसकी तनख्वाह कितनी है? 17-18 हज़ार के लगभग तनख्वाह है, 15 हज़ार उसकी तनख्वाह है। आज करके न्यूनतम वेतन जो होता है SSC यानी सफाई कर्मचारी जो चौकीदार होता है उसकी तनख्वाह है 17 से 19 से 20, अब 23 हो गई है, यानी उसका डिप्लोमा लेना, डिग्री लेना कोई मायने नहीं रखता। एक NM को 22 हज़ार तनख्वाह मिल रही है NHM के तहत, और वही दिल्ली DHS के कॉन्ट्रेक्चुअल जो NM है उसके 44 से 46 हज़ार मिल रही है। जब डिग्री सेम है, दिस इज़ आवर डिमांड ओनली, वेन द डिग्री इज सेम, जो क्वालिफिकेशन इज सेम, ड्यूटी आवर इज सेम, तो वाई देर इज डिफरेंस बिटवीन सैलरी? डॉक्टर सरोज जी, जो आज जो मरीजों को दवाई टाइम से नहीं मिल रही है, वो परेशान हैं, तो इसका हर जाना ये आप भुगतेंगे या दिल्ली सरकार भुगतेगी या केंद्र सरकार भुगतेगी? देखिए, इसका सीधा सीधा मैं जवाब तो यूं कहूं
इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हम कहें कि ये तो हमें भी दुख होता है, अगर कोई भी बाहर मरीज, चाहे किसी का मरीज हो, किसी के घर का, वो मेरे घर का भी हो सकता है, ये मुझे भी दुख लगेगा कि जब उसको समय पर दवा नहीं मिलेगी, समय पर उसका इलाज नहीं हो पाएगा, लेकिन इसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार ही है, ये ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। देखिए बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको बता दूं, मैं जब भी यहाँ आता हूँ स्ट्राइक पे तो अपनी गाड़ी मैं डिस्पेंसरी के बाहर खड़ी करता हूँ। मैं मुझे जब भी मरीज़ देखते हैं बड़े खुश होते हैं, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। जब मैं बताता हूँ कि मैं, जब मुझे बताया जाता है कि डॉक्टर साहब आप स्ट्राइक ख़त्म हो गई, मैंने कहा नहीं मैं स्ट्राइक पर हूँ, तो बड़ा दुख होता है उनको। बोला डॉक्टर साहब जितना बढ़िया से आप इलाज करते हो या बात करते हो, जिस प्रकार से आप हम लोगों को संभालते हो, उस प्रकार से ये जो आए हैं ना, ये डॉक्टर्स मैडम और सर लोग बैठे हुए हैं, जो हमने कहा मैडम ये लोग बड़े ऊपर के अधिकारी हैं भाई, 1.5-2 लाख इनकी तनख्वाह होती है। बोले सर हमें तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब आप जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हमने कहा सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जो डिग्री के हमारे अपने NMs हैं, LT हैं, CDOs हैं, सारे लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर को ही दुख हो रहा है, इन सभी कर्मचारियों को दुख है, वो भी चाहते हैं कि काम पर जाएं। हमें किसी, हम में से किसी को शौक नहीं है कि हम यहाँ धूप में बैठे हैं, अपने परिवार से दूर हटे हैं। आप ही सोचो कि मेट्रो से रोज़ आना जाना, मेट्रो के किराए भी बढ़ गए हैं, तो हमारे 50 दुना के 100 रुपये तो हमारे सिर्फ किराए में लग जाते हैं। अगर ऑटो रिक्शा से आते हैं वो अलग, और खाना पीना खाना वो अलग, तो 200-250 तो रोज के खर्चे हैं। संदेश क्या देना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी परमानेंट डॉक्टर्स वहाँ बैठे हैं या स्टाफ है, उनसे उनसे काम ले, वो मना क्यों कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह, विडम्बना ये है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कवच एक प्रोग्राम था जो 7 तारीख से शुरू चलने जा रहा था, ये गवर्नमेंट ने उसको पोस्टपोन कर दिया, उसको अगले महीने के लिए शिफ्ट कर दिया। अब सोचो कि जो बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए था इस महीने में, इन हफ्तों के बीच में, वो इस महीने ना होकर अगले महीने आएगा। लेकिन ये काम कौन करेगा, ये हमारे NHM के एम्प्लॉयज़ ही काम करेंगे, चाहे वो डॉक्टर्स होंगे या हमारे पैरामेडिक्स स्टाफ होंगे, हमें ही जाके वापस काम करना है। जब हमें ही काम करना है तो फिर हमें ये तनख्वाह क्यों नहीं हमारी बढ़ाई जा रही है, हमारा क्या आपसे गुनाह क्या, हमारा बता दो आप हमें, हमारा तो यही डिमांड है ना, सेम वर्क सेम पे, कुछ तो दे दो। और आप मेडिकल भी नहीं देते यार, मेडिकल बेनिफिट्स जिस प्रकार से DHS के स्टाफ को मेडिकल दी जाती है, मेडिकल कार्ड होल्डर होते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा प्रावधान नहीं है NHM में, तो प्रावधान किसने बनाया जाए, मोदी जी 100 साल में जब ये कानून हटा सकते हैं जो लागू नहीं होता, तो आप भी कुछ एग्जाम्पल सेट कीजिए ना। दिल्ली सरकार में आप हैं, पूर्ण बहुमत से हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप भी दिल्ली सरकार कुछ ऐसा कीजिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, व्हाई नॉट यू फर्स्ट कम फर्स्ट। तो हमें मेडिकल कार्ड भी दिया जाए, कुछ बेनिफिट दिया जाए, कुछ मूलभूत से सुविधाओं से लैस किया जाए कि अगर हमारे घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए तो एटलीस्ट हमें अपनी जेब से खर्च वहन न करना पड़े, वो सरकार उसके लिए करे। जी वो आप लोगों के लागू होता है या नहीं होता है? जी हमें नहीं मिलता, जैसे NPA बोलते हैं नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, वो हमें नहीं मिलता। क्या कारण, आप भी उनके बराबर इतनी मेहनत करते हैं? बिल्कुल मेहनत तो, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, मैं उनके बराबर नहीं मेहनत करता, मैं कहीं नहीं देखता उनको अपने आगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप मेरे किसी भी पैरामेडिक्स स्टाफ से आप पूछ सकते हैं, किसी से जो लैब टेक्नीशियन भी होगा वो उतना ही इंजेक्शन निकालेगा, खून निकालेगा, जाँच करेगा जितना डॉक्टर लिखता है, ठीक है? तो डॉक्टर परमानेंट वालों के लिए भी वही काम करेगा और NHM वालों एम्प्लॉय के लिए भी वही काम करेगा। CDOs जो होंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, उतनी डाटा एंट्री करेंगे जो डॉक्टर लिखेगा, जो NM लिखेगी, तो कम तो कोई कहीं से नहीं है बल्कि उनसे ज़्यादा ही है। सप्ताह में 3 दिन, 2 दिन, 2 दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ, जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक रेशियो में रैशनल नहीं है। हम, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को कई बार फ़ोन आता है आधा ड्यूटी यहाँ आधा ड्यूटी कहीं और, तो एक्सप्लॉयटेशन तो ही है। तो हमारा सिंपल से डिमांड है सरकार से, हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, अगर ये उम्मीद भी है तो हमें इसी सरकार से उम्मीद भी है। मैं भी बता दूं कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी चाहे तो वो कर सकती है, इनके हाथ में बहुत कुछ है, और हम श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें और हमारी दिवालियाँ भी शुभ हो, अच्छी हो, और उन्हें भी अच्छी कामना करते हैं। धन्यवाद।